एक हाँ बस चलिए बात नहीं। हाँ देखिए आप प्लीज प्लीज बात नहीं एकदम। मोबाइल वहां पकड़ाइए भाई पर भेज दें। अरे अब फिर सभी आ गए यहाँ तक। हाँ चलिए हो गया एक बात नहीं बात है। तो देखिए हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली वेव्स के बीच सुपरपोजिशन से नोड्स और एंटी नोड्स का फॉर्मेशन देखा, ठीक है ना। तो हाँ तो वही चीज यहां पर है कि अगर ये कोई बाउंड सिस्टम जब बोलते हैं, बाउंड सिस्टम का मतलब क्या है कि कोई मीडियम ए सामने देखिए एकदम नहीं यहां पर आगे बैठा देंगे पन्नों के बगल में। हाँ फिर चुप रहेंगे एकदम चुपचाप, ठीक है। तो कोई बाउंड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक मीडियम की कोई बाउंड्री है, ठीक है। यानी कोई बाउंड्री जैसे हम यही कहते हैं कि अगर ये दरवाजा है तो दरवाजे तक बोलते हैं, दरवाजा भी एक बाउंड्री है, पहचान है निशान है ना, इसके बाद वो मीडियम बदलता है। या दीवार भी एक बाउंड्री है, तो कोई भी बाउंड्री है। इवन आप इसको बोलते हैं कि ये पेन का ढक्कन भी क्या है, इसके अंदर की जो एयर है ना एक बाउंड सिस्टम है, किसी और इनका घेरा है, भले किसी और खुला भी हो चलेगा लेकिन किसी और तो है ना घेरा, ठीक। तो अगर ओपन पाइप है, इवन एक अगर बाउल लेते हैं या ऐसा ये कैप एक कप लेते हैं तो ये भी एक क्या है बाउंड सिस्टम है एयर का, इसकी ये बाउंड्री है। कौन छोड़िए हाँ पढ़िए हाँ हाँ बस बस ए आवाज आ रही है बिना मतलब। हाँ ठीक है हाँ तो कोई तो जितने भी ये बाउंड सिस्टम है जैसे कि एयर कॉलम है या फिर स्ट्रेच वायर है, जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सब क्या है एक वो बाउंड सिस्टम वाले ही हैं। यानी वायर अगर कोई स्ट्रेच वायर है तो उसकी बाउंड्री है, यहां से यहां के बीच क्या करता है वो इसकी वेव्स आती हैं लौट करके। अजय वो इधर क्या करिए आप वो टेबल ना तो ऐसे घुमा लीजिए और आगे कर लीजिए, वो इससे ना क्या होगा दिक्कत होगी देखने में भी, और इसको ऐसे घुमा लीजिए सामान कोई सामान ना गिरे बस ध्यान से। हाँ रवि हाँ घुमा लियो दिक्कत हो रही देखने में, तो ठीक है। तो इसी को अब देखिए एक तो जो बाउंड्री कह रहे हैं अगर रिजिड है और आगे कर लीजिए और आगे और हाँ आगे अगर कर लीजिए आगे थोड़ा सा बस 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 ठीक है थोड़ा आसान हो जाएगा अब देखना। अरे ऑनलाइन भी चला इतना आवाज नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है तो एक तो जहां भी बाउंड्री है पहले बता दिया कि अगर जहां पर भी रिजिड बाउंड्री है वहां पर वहां का पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर रहा। मान लीजिए कि अगर वेव इधर ट्रेवल करते हुए जा रही है वाल के पास, ठीक है ऐसे बोल दिया एक पाइप है ऐसा बहुत बड़ा है तो उसकी हम इसको हम बाउंड तो है लेकिन ओपन जैसा बाउंड है, बहुत दूर दूर बाउंड्री है, ठीक है। लेकिन अगर हम जैसे पाइप है और पाइप में पाइप को ऐसे रख लिया हॉरिजॉन्टल तो ये कम से कम साइड में तो बाउंड है ही है। अगर हम कोई डिस्टरबेंस भेजते हैं
तो उस डिस्टर्बेंस के लिए क्या है, साइड में बाउंड्री है, इधर उधर चार ओवर इधर बाउंड्री है और उस साइड ओपन है, इस साइड ओपन है, ये दोनों साइड में ओपन है लेकिन साइड में बाउंड्री है, तो इसको बोलते हैं ये भी बाउंड सिस्टम है। तो कोई वायर कहीं बंधा हो दो एंड पर, वो बाउंड है। एक ऐसे ही रॉड ही किसी दीवार में से निकली होती है तो एक और बंधी होती है, एक और खुली होती है ऐसे, तो वो भी एक बाउंड सिस्टम, एक और बाउंड है, एक और ओपन है। और अगर दोनों ओर ओपन है तो एक पाइप है जो दोनों ओर ओपन हो सकता है, तो भी साइड में बाउंड है, तो जहां भी बाउंड होगा इधर से डिस्टर्बेंस भेज दिया। जैसे पाइप में मान लीजिए कुछ ऐसे ही यहाँ पर कुछ वाइब्रेट करने चीज रख दिया, या एक बोल ही दिया, एक आवाज कोई निकाल दिया, तो वो आवाज जाएगी वहां पर और एकदम से पाइप को दीवार में सटा दिया, तो क्या होगा अंतिम एंड क्या है उसका, जो लास्ट एंड है वो क्या है, वो क्या है, रिजिड है। बाउंड में भी बाउंड किसी और से बाउंड हो सकता है, साइड से बाउंड हो सकता है, पूरा बाउंड हो सकता है, या एंड एंड बाउंड हो सकता है, लेकिन है बाउंड। ठीक, तो दोनों एंड पर अगर ओपन है तो क्या होगा, जहां ओपन एंड है वहां पर बड़े ऑसिलेशन हो सकते हैं, बाउंड्री के पार्टिकल्स के बड़े ऑसिलेशन हो सकते हैं जहां दोनों ओपन है। जहां पर भी रिजिड बाउंड्री है क्लोज्ड है, ठीक, जहां पर भी रिजिड बाउंड्री है और क्लोज्ड है वहां पर के पार्टिकल्स ऑसिलेट करने के लिए फ्री नहीं होते, तो वहां क्या बनता है, नोड बनता है। ठीक, और एक जगह नोड बन रहा है तो उसकी पहचान है कि लैम्डा बाय टू, अगर यहां नोड बन गया, ठीक, तो यहां से लैम्डा बाय टू डिस्टेंस पर यहां भी नोड बनेगा। ठीक, फिर यहां से लैम्डा बाय टू डिस्टेंस पर नोड बनेगा, और बाउंड्री चाहे ओपन हो या चाहे क्लोज्ड हो, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, बाउंड्री से बाउंड सिस्टम में बाउंड्री है, किधर वेव चल रही है, रिफ्लेक्शन वहां से होगा। तो हम अगर हम पाइप की बात कर रहे हैं, पाइप में एक ओर से डिस्टर्बेंस भेज रहे हैं, साइड में क्या है, दीवार है, साइड में तो बाउंड है लेकिन उस एंड पर ओपन है, इस एंड पर ओपन है, तो डिस्टर्बेंस क्या होगा, ओपन एंड से भी रिफ्लेक्ट होगा। ठीक, जैसे हम उसे नहीं करते कि ये स्लिंकी है उसको ऑसिलेट कराइए, तो अंतिम वाला एंड बड़े बड़े ऑसिलेशन करता है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर आता है, तो अंतिम एंड अगर खुला है, ओपन है, तो वहां ऑसिलेशन क्या होते हैं, बड़े बड़े ऑसिलेशन होते हैं, और वहां से वेव यहां से डिस्टर्बेंस जाएगा, वहां एकाएक जाके एक्सपेंड होगा, फिर वापस कंप्रेस हो जाता है, फिर इधर आता है। तो वही कि अंतिम एंड आपने एक कंप्रेशन भेजा, एक डिस्टर्बेंस भेजा, और वहां जा क्या किया, एकाएक इधर तो बाउंड्री थी इसलिए कंप्रेस होकर जा रहा था, और एकाएक वहां खुला ऐसे, तो एकाएक मीडियम क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ। तो जब एकाएक एक्सपेंड होगा तो फिर क्या होगा, झटके से फिर वापस भी आएगा, वाइब्रेशन हो जाएगा, तो जब झटके से वापस आएगा तो फिर वापस भी आती है, तो इसको बोलते हैं ओपन एंड से रिफ्लेक्शन। जैसे स्ट्रिंग में, जैसे पाइप में कि फ्लेक्सिबल पाइप है ऐसे पानी वाला, उसको एक एंड पड़े जोर जोर से ऐसे हिलाए तो अंतिम में देखेंगे ना तो बस बड़े बड़े ऑसिलेशन कर रहा होगा, बीच वाला कम ऑसिलेशन कर रहा होगा, बड़े छोटे ऑसिलेशन यानी एम्पलीट्यूड कम होगा, और अंतिम एंड क्या होगा, खुला है ना, ओपन है, कोई बना नहीं है किसी एक और जगह, तो वो बड़ा ऑसिलेशन करता है, तो वहां से डिस्टर्बेंस लौटता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं कि ये ओपन एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जहां पर भी किसी सिस्टम में अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एंड अगर रिजिड है तब तो वहां एंड पर नोड बनेगा, दोनों एंड रिजिड है तो दोनों जगह नोड बनेगा, और दो नोड के बीच में अगर स्टैंडिंग वेव बन रही है तो कंपलसरी है एक बनेगा ही एंटी नोड, है ना, दो नोड के बीच में एंटी नोड बनेगा। यानी अगर मान लेते हैं कि यहां ये एक एक पाइप ऐसे है और यहां बंद है, आपने डिस्टर्बेंस भेजा तो यहां ऑसिलेशन तो हो नहीं पाएगा दीवार में इसके, तो यहां नोड बनेगा, तो यहां नोड बनेगा, ठीक, वाइब्रेशन का। तो फिर कितनी वेवलेंथ की वेव भेज रहे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी की वेव भेज रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, क्या दिखा रहे हैं, तो बंद करिए आप लोग, बगल में इंटरेक्ट ना किया करिए। इंटरेक्शन इधर जहां जरूरी है वहां करिए, देखभा नहीं करेंगे तो डाउट कहां से आएगा। हाँ ठीक है, तो ये क्या होगा कि यहां अगर,
तो यहां नोड हो गया। अब कितनी वेवलेंथ की वेव है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। मीडियम में वेव का कौन सा चीज कांस्टेंट होता है जो मीडियम पर डिपेंड करता है? स्पीड, है ना। स्पीड कांस्टेंट होती है मीडियम में किसी वेव की। अगर साउंड वेव कह दें तो एयर में साउंड की स्पीड कितनी होगी? 340 के आसपास, अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, 330 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। तो जो रूम टेम्परेचर जिसकी बात करते हैं वो 344 भी बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तो 344 बोलते हैं, है ना। तो वो एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर स्पीड 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है, है ना, 0.61 मीटर पर सेकेंड, ठीक, यही हो जाता है। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 है तो 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा? 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 बार बढ़ जाएगा, ठीक। तो उसी को बोलते हैं 344 के आसपास बोलते हैं। तो ये तो यहां पर अगर डिस्टर्बेंस आपने भेजा, स्पीड फिक्स है, फ्रीक्वेंसी हायर है तो वेवलेंथ छोटी होगी, फ्रीक्वेंसी लो है तो वेवलेंथ बड़ी होगी, क्योंकि स्पीड क्या होती है? वी इक्वल्स फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो स्पीड फिक्स मीडियम में साउंड की अगर बात कर रहे हैं तो, या कोई वेव भेज रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी हायर है तो छोटी वेवलेंथ होगी। लेकिन एक तो वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा कि नोड एक तो तय है कि बाउंड्री बनेगा क्योंकि रिजिड है, जहां वाइब्रेट करने के लिए एंड पर फ्री नहीं है वहां पर क्या है? बाउंड्री क्या है? रिजिड है। तो यहां नोड बनेगा ही बनेगा। तो दूसरा नोड कहां बनेगा अगर कोई बनता है तो? अगर वेवलेंथ है इतनी कि अगर नोड और बनने का चांस बनता है तो ये तय है कि अगर यहां नोड बन रहा तो इसे लैम्डा बाय 2 पर एक और नोड बनेगा, है ना। अब मान लेते हैं कि वो वेवलेंथ इतनी है, अरे ये वेवलेंथ का आधा यहां पर है इतना दूर, तो एक नोड यहां बनेगा, ठीक है। सुपर पोजिशन का पैटर्न वही रहेगा जो कर्मों ने बात किया था कि हर लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस पर नोड 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 रहेगा, दो हर लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस पर एंटी नोड रहेगा, एक नोड और उसके बगल वाले एंटी नोड के बीच का सेपरेशन क्या रहेगा? है ना, हाँ, लैम्डा बाय 4 रहेगा, ठीक है, वो रहेगा। तो उसी को उसी चीज को बस एप्लीकेशन बता रहे हैं और कुछ अलग नहीं बता रहे। तो यहाँ पर तो यहाँ एक जगह यहाँ नोड है, यहाँ नोड बन गया तो एक एंटी नोड कहाँ होगा? यहाँ होगा एंटी नोड, है ना। मीन्स यहाँ का पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करेगा, यहाँ का जो मीडियम पार्टिकल भी ऑसिलेट नहीं करेंगे नोड बन गया तो, लेकिन यहाँ वाले क्या करेंगे? बड़े बड़े ऑसिलेशन करेंगे। तो सोचिए होगा क्या, एक नोड के दोनों ओर वाले अपोजिट फेज में ऑसिलेट करते हैं। यहाँ नोड है ना, तो इधर वाले अगर ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ वाले नीचे जा रहे होंगे, इधर वाले अगर टॉप पर गए, ये नोड 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 ऐसे बनाए थे तो नोड 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 ऐसे बनाए थे, तो यहां वाले अगर ऊपर गए थे तो यहां वाले कहां गए थे? नीचे। ये जब ऐसे जब ये नीचे आए ये ऊपर जाएंगे तो फिर क्या होगा? जब ये नीचे आ रहे होंगे तो फिर ये कहां जा रहे होंगे? ऊपर। तो एक नोड के दोनों ओर जो पार्टिकल है ऊपर जा रहे होंगे ऐसे, ठीक है। तो यहां अगर नोड है, यहां नोड है, तो अगर ये पार्टिकल, अब अगर साउंड वेव है तो क्या हो रहा है? साउंड इधर या इधर ट्रेवल कर रही है तो पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं? वो भी तो ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। अगर वेव इधर ट्रेवल कर रही है इधर ट्रेवल कर रही है तो ऑसिलेशन क्या हो रहा होगा? ऐसे पैरेलल हो रहा होगा, है ना, इधर उधर को। अब वो पैरेलल ऑसिलेशन में क्या हो रहा है कि यहां पर ये नोड है तो जिस समय यहां के पार्टिकल्स, यहां का पार्टिकल इधर आ रहा होगा उस समय इधर का पार्टिकल इधर जा रहा होगा, क्योंकि अपोजिट फेज में चल रहा है ना। तो इधर का पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा, यहां का ऐसे आ रहा होगा, ऐसे ऐसे। तो यहां वाले ऑसिलेट कर रहे हैं, यहां वाले ऑसिलेट कर रहे हैं, और यहां वाला क्या हुआ? रुका हुआ, ठीक। जो ठीक एंटी नोड वाला है वो बहुत दूर तक आता है, जो यहां वाला है वो थोड़ी दूर तक जाता है, यहां वाला थोड़ी दूर तक जाता है, यहां वाला कहीं जाता ही नहीं। तो जब यहां वाला इधर आएगा तो उस समय यहां वाला क्या होगा? इधर आएगा, यहां भी एंटी नोड बन रहा है, ठीक। और यहां नोड फिर यहां नोड कहीं बनेगा अगर आगे तक है तो, अगर ये आगे तक पाइप है तो यहां भी नोड बनेगा, तो यहां एंटी नोड, यहां एंटी नोड, तो यहां पर क्या होगा? ऐसे ये बड़े बड़े ऑसिलेशन कर रहे होंगे, वेव जा रही आ रही है, ठीक। जैसे यहां पर ट्रांसफर से शादी जाती है तो क्या होता है?
वेव इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, उनके सुपरपोजिशन से क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन हो रहा है, ये यहाँ वाले पार्टिकल ऐसे ऐसे आ जा रहे हैं ऐसे जल्दी जल्दी, यहाँ वाले पार्टिकल ऐसे ऐसे यहाँ जल्दी जल्दी आ जा रहे हैं, लेकिन एक है कि एक नोड के इस साइड वाले जब ऊपर जा रहे हैं तो अगले नोड के उस साइड वाले क्या कर रहे हैं उसी समय नीचे आ रहे हैं, यही हो रहा होगा, तो स्ट्रिंग वगैरह का वाइब्रेशन होता है ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यही हर जगह कोई अगर यहां भी रिजिड है, कुछ ऐसा होता है कि वेव इसी में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहां पर यही पर एक मशीन छोटा सा रख दिए और इसी में वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो यहां भी नोड बनेगा और यहां भी नोड बनेगा, ये तो तय है, नोड यहां बनेगा नोड यहां बनेगा, दोनों एंड रिजिड है, दोनों जगह नोड बनेगा, दोनों ओपन है, कुछ ऐसा दोनों ओपन है तो यहां एंटी नोड बनेगा और यहां एंटी नोड बनेगा, ठीक, और बीच में कैसी वेवलेंथ है उसके हिसाब से, अगर इतना बड़ा पाइप है कि कई नोड कई एंटी नोड बनने का चांस बनता है, क्योंकि वेवलेंथ अगर जैसी है या पाइप की लेंथ जैसी है उस पर डिपेंड करेगा ना, कि अगर पाइप मान लेते हैं पाइप, अगर ये पाइप 1 मीटर है, वेवलेंथ कितना है, वेवलेंथ मान लेते हैं आधा मीटर है, वेवलेंथ हाफ मीटर है, ठीक, तो इस पाइप में 2 वेवलेंथ आ जाएगा, है कि नहीं, एक नोड और एक एंटी नोड और दूसरे एंटी नोड कम से कम डिस्टेंस कितनी होगी, लैम्डा बाई 2, है कि नहीं, लैम्डा बाई 2 होगा, और ये पाइप 1 मीटर की है, वेवलेंथ हाफ मीटर है, तो 2 वेवलेंथ के बराबर है कि नहीं है, 2 वेवलेंथ के बराबर है, तो इसमें आधे आधे वेवलेंथ कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो ये 1 मीटर 50 सेंटीमीटर वेवलेंथ है, 1 मीटर पाइप है, तो एक वेव तो यही पूरी हो जाती है, 1 वेवलेंथ 2 वेवलेंथ, है कि नहीं, 50 सेंटीमीटर का 1 वेवलेंथ है और 1 मीटर में 2 वेवलेंथ है, तो 1 वेवलेंथ 2 वेवलेंथ, ठीक, और इसमें क्या है, 1 वेवलेंथ में आधा आधा हाफ वेवलेंथ, ये हाफ वेवलेंथ ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहां ये तो तय है कि अगर ओपन है और वेव्स आ जा रही है इसमें से डिस्टर्बेंस में से भेज रहे हैं हम, तो एक वेव एक एंटी नोड तो पक्का बनेगा एंड पर, यहां एक एंटी नोड बनेगा, दोनों ओपन एंड पर एंटी नोड बनेगा 100% वो श्योर है, ठीक, तो फिर अगला एंटी नोड कहां होगा, आधे वेवलेंथ बाद, तो यहां भी एंटी नोड होगा, यहां भी एंटी नोड होगा, यहां भी एंटी नोड होगा, और 2 एंटी नोड के बीच एक नोड पक्का सर्टेन होगा, तो यहां क्या होगा, एक नोड, यहां भी एक नोड, यहां भी एक नोड और यहां भी एक नोड होगा, ऐसे होगा, दोनों ओर ओपन है, तो दोनों ओर ओपन है, इस पाइप में कितने नोड और कितने एंटी नोड बनेंगे यह डिपेंड करेगा कि पाइप की लेंथ कितनी है और वेवलेंथ कितनी है, ठीक है ना, लेकिन ये तय है कि ओपन है तो इस एंड पर भी एंटी नोड बनेगा, इस एंड पर एंटी नोड बनेगा, दोनों ओर क्लोज्ड है तो यहां भी नोड बनेगा, यहां भी नोड बनेगा, एक ओर क्लोज है तो एक ओर एंटी नोड एक नोड बनेगा, एक क्लोज वाले पर, ओपन वाले पर क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा, ये श्योर है, ठीक है, तो इसी को दिखाते हैं, ऐसे हम थोड़ा इस तरह के वेव के फॉर्म में या एंटी नोड ओपन जैसा दिखाएं हम, तो ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पर जो ये नोड है, यहाँ एंटी नोड है, यहाँ पर क्या है, ये एंटी नोड और यहाँ नोड, यहाँ एंटी नोड, यहाँ नोड और यहाँ एंटी नोड, यहाँ नोड, ऐसे ये एंटी नोड, और ये ऐसा दिखाते हैं, ये तो जहां ये ओपन, जहां ये ऐसा ऐसा है वहां एंटी नोड है, यहाँ के पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहे होंगे, यहाँ वाले आधे इधर ऑसिलेट कर रहे होंगे, यहाँ वाले ऐसे ऑसिलेट कर रहे होंगे, यहाँ वाले ऐसे ऑसिलेट कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ यहाँ का पार्टिकल जहाँ नोड है, नोड वाला पार्टिकल कहीं ऑसिलेट नहीं कर रहा, एंटी नोड नोड बड़े बड़े ऑसिलेशन कर रहे हैं, ठीक, बहुत ऑसिलेट किए फरवरी में, बड़े बड़े ऑसिलेशन, ठीक, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हाँ हाँ, पूरा फरवरी इनका एंटी नोड रहा है, ठीक, हाँ, अब फरवरी में नोट बना के रखेंगे तभी ठीक रहेगा, हाँ, ठीक है, तो
ठीक है, तो यही चीज करना है। ऐसे ही स्टेज वार का भी है, तो थोड़ा हम लोग लिखते हैं। और ये भी है देखिए, और सुनिए, रेजोनेटिंग ऑसिलेशन की, रेजोनेंस का मतलब कि हर बाउंड सिस्टम की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे एक पेंडुलम को भी छोड़ देते हैं तो एक अपनी ही फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो हर बाउंड सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, एक ही नहीं, अ बाउंड सिस्टम हैज सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, इन्हीं फ्रीक्वेंसीज को बाउंड सिस्टम का नॉर्मल मोड्स कहते हैं। कोई क्वेश्चन आ गया नॉर्मल मोड्स क्या हैं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि नॉर्मल मोड्स, ओके, अ बाउंड सिस्टम हैज सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज विद विच इट एग्जीक्यूट्स रेजोनेटिंग ऑसिलेशंस, ओके, दिस सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड नॉर्मल मोड्स। तो बाउंड सिस्टम, चाहे स्ट्रेच वायर हो, चाहे वो पाइप हो, एयर कॉलम हो, उसका अपना क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का सेट होता है जिसके साथ वो बड़े ऑसिलेशन करता है। सारी फ्रीक्वेंसी नहीं ऑसिलेट करेगा, यानी जो कह रहे हैं ना कि यहां पर बड़े बड़े ऑसिलेशन होंगे, कब, जबकि ऐसी फ्रीक्वेंसी और ऐसी लेंथ का सेट बनेगा तब। यानी कि बाहर की जो फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं, डिस्टर्बेंस भेज रहे हैं, पाइप की नेचुरल फ्रीक्वेंसीज में से किसी से मैच करे। सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या है, कई फ्रीक्वेंसीज हैं, जैसे एक फ्रीक्वेंसी, अगर सबसे कम वाली फ्रीक्वेंसी 100 है, एक सबसे कम वाली फ्रीक्वेंसी 100 है, तो उससे ज्यादा वाली 200 होगी, उस पर भी रेजोनेटिंग वाइब्रेशन करेगा, यानी बड़े बड़े वाइब्रेशन करेगा। रेजोनेंस होने का मतलब थोड़ी भी एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी ले रहा है और बड़े ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है ना। पेंडुलम को भी उसके जितनी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वैसा ही हम डिस्टर्बेंस भी दें, है ना। अगर पेंडुलम अपने आप एक सेकंड में 5 ऑसिलेशन करता है, हम उसको रस्सी से पकड़ के जल्दी ऑसिलेट कराने की कोशिश करें, ठीक, तो उतना बड़ा ऑसिलेशन नहीं करेगा। गुड आफ्टरनून महोदय, बहुत कीमती है आपका समय, अंश, चलिए। चलिए, थैंक यू आने के लिए। अब हम ही लोग बोलना उल्टा शुरू कर दें तो ठीक है। और आप एक सेकंड में 5 ऑसिलेशन का पेंडुलम कर सकता है अपने से, अपने आप उसको एक सेकंड में 7 बार ऑसिलेट कराने की कोशिश करिए, तो भी बड़े एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट नहीं करेगा। एक सेकंड में 3 बार ऑसिलेट कराने की कोशिश करिए उसको, ऐसे ऐसे धीरे धीरे, तो भी बड़े एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट नहीं करेगा। जब आप भी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 5 है, यानी एक सेकंड में 5 ऑसिलेशन करता है अपने आप, छोड़ दें तो, और डिस्प्लेस करके, तो आप भी अगर 5 ऑसिलेशन का डिस्टर्बेंस देंगे ना पर सेकंड, तो आपसे मिलेगा, यानी कि वो बड़े ऑसिलेशन के साथ ऑसिलेट करेगा। इसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, ठीक है ना। ऑसिलेशन वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ रेजोनेंस, ठीक है ना, ठीक से पढ़ाया हुआ, तो ठीक से आया हुआ है कि नहीं, उत्कर्ष ने पढ़ा है तो ठीक है। तो ये देखिए, तो यहां पर जो सेट, जो इसी को बोलते हैं कि आप इस पाइप की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी कितनी है, एक ही नहीं फ्रीक्वेंसी है, कई हैं, 100 हैं तो 200 भी होगा, 300 भी होगा, 400 भी होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, दोनों ओर बाउंड है या दोनों ओर ओपन है तो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, एक और ओपन है कोई क्लोज है तो क्या होता है, ऑड मल्टीपल्स होते हैं। यानी पहली मिनिमम फ्रीक्वेंसी 100 है तो दूसरी फ्रीक्वेंसी जिस पर वो रेजोनेंस के साथ ऑसिलेट करेगा वो क्या है, 300 है। अगली फ्रीक्वेंसी क्या होगी जिसमें रेजोनेंस ऑसिलेट करेगा, वो 500, है ना। अगर एक और क्लोज है एक और ओपन है, तो दोनों ओपन है दोनों क्लोज है, तो उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी और बाकी फ्रीक्वेंसी में रेशियो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, यानी मिनिमम 100 है तो अगली फ्रीक्वेंसी 200 पर, अगली फ्रीक्वेंसी 300 पर, 400 पर, सभी फ्रीक्वेंसीज पर ये रेजोनेंस के साथ वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है। तो ये कुल जो हम बताना है यही बता रहे थे, तो अभी चलते उसमें। खुशी भी आई है, ऐसे कभी कभी
ईद का चांद हाँ, और क्या बोले। हाँ क्या घड़ी मत देखना शुरू करिए, अभी तो शुरुआत नहीं हुई। हाँ हाँ चलिए लिख रहा हूं तो लिख दीजिए, पहले लिखिए मैं बोल दे रहा हूं पहले, है ना। हाँ बाउंड सिस्टम में क्या होता है कि बाउंड सिस्टम मतलब कि किसी तरह की बाउंड्री हो, किसी कोई मीडियम है विद बाउंड्री, फॉर्म्स अ बाउंड सिस्टम। ओके सो हाँ ए सीधी धमकी भाई, आचार संहिता लगी हुई है, धमका देंगे जी। ठीक है चलिए हाँ लिखे लिखिए क्या अ बाउंड सिस्टम इज व्हाट, लिखिए अ बाउंड सिस्टम इज अ मीडियम विद बाउंड्रीज, ठीक है ना। अ बाउंड सिस्टम क्या है, अ बाउंड सिस्टम मींस, सिस्टम मींस ओके अ मीडियम विद बाउंड्रीज, मीडियम विद बाउंड्री। ओके अब ये बाउंड्री क्या है, इट मे बी ओपन आर क्लोज या रिजिड, है ना। ओके दिस बाउंड्री मे बी ओपन आर रिजिड, ठीक क्या होगा, तो वेव्स रिफ्लेक्ट होंगी और बाउंड्री से और बार बार उसी मीडियम में ट्रेवल करेंगी, उससे स्टैंडिंग वेव बनेगा, ठीक है ना। सो वेव्स ट्रेवलिंग इन द बाउंड मीडियम, वेव्स ट्रेवलिंग इन द बाउंड मीडियम, बाउंड मीडियम ओके गेट्स रिफ्लेक्टेड अगेन एंड अगेन फ्रॉम द बाउंड्री एंड सुपरपोज गिविंग राइज स्टैंडिंग वेव। ओके बाउंड मीडियम गेट रिफ्लेक्टेड बाय बाउंड्री and superpose on each other and superpose या इंटरफियर, ठीक है ना, and superpose or interfere okay क्या है इंटरफियर ही चल, हाँ हाँ ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, स्टैंडिंग वेव बनेगी, विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है ना। एक होता अब बाउंड मीडियम की अपनी क्या होती है, फ्रीक्वेंसीज होती है ना, एक सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है जिसके अंडर में वो क्या करता है, रेजोनेटिंग ऑसिलेशन कर सकता है, ठीक है। बाउंड ये हो गया, बाउंड सिस्टम ओके, बाउंड सिस्टम हैज
अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसीज, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसीज के, उसकी खुद की अपनी कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, जो उस सिस्टम की पहचान जुड़ा हो वैसी बाउंड्री के साथ और किसी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ना हो. ओके, सो अ बाउंड सिस्टम हैज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, या क्या कह सकते हैं, नेचुरल, हाँ नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज, ओके, विच आर नोन एज, विच आर नोन एज, नोन एज नॉर्मल मोड्स. ठीक है ना, नॉर्मल मोड्स. ठीक, तो इन फ्रीक्वेंसीज के साथ वो रेजोनेटिंग वाइब्रेशन करता है या कर सकता है. ओके, द सिस्टम कैन, द सिस्टम कैन एग्जीक्यूट रेजोनेटिंग वाइब्रेशन, रेजोनेटिंग वाइब्रेशंस विद दीज फ्रीक्वेंसीज, दीज फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, तो पहले हम दोनों ओर अगर क्लोज एंड है या दोनों रिजिड बाउंड्री है उनकी बात कर ले, कि वहां पर अगर जिस एंड पर बाउंड्री रिजिड है वहां पर क्या होगा, नोड ही बनेंगे, हर हाल में नोड बनेंगे. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के टाइम में वेव रिफ्लेक्ट किस फेज में होगी, ये बाउंड्री की नेचर पर डिपेंड करेगा. बाउंड्री रिजिड है तो अपोजिट फेज में रिफ्लेक्ट होंगे, वो पहले बता दिया, कोई अब नया रह नहीं गया. तो रिफ्लेक्शन के बाद देखिए, ओके, तो दोनों एंड पर अगर बाउंड्री क्या है, रिजिड है, तब क्या हुआ, देखिए. ठीक है, तो फर्स्ट ऐसे करते हैं, अच्छा ये एग्जांपल ले लीजिए कुछ इसके, क्या है कॉमन बाउंड सिस्टम, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ, एग्जांपल्स ऑफ बाउंड, एग्जांपल्स ऑफ बाउंड सिस्टम, बाउंड सिस्टम्स, इनके एग्जांपल्स हैं क्या है, एक ये ऐसे स्ट्रेच स्ट्रिंग है ना, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स, स्ट्रेच स्ट्रिंग्स, ओके, ऑर्गन पाइप्स, ऑर्गन पाइप्स, ओके, ये दोनों ओर पहुंच सकती हैं या एक एंड पहुंच सकती हैं. पाइप्स ओपन एट वन एंड और एट बोथ एंड्स, बोथ एंड्स, ये हो सकता है. ओके एटसेट्रा, और कोई भी, अब कोई भी इवन घिरा हुआ चीज, एक डब्बा भी ले लें, एक घड़ा भी ले लें, तो वो क्या है, उसमें एयर है, अपने एयर को घेरा हुआ है, भले एक और मुंह खुला हुआ उसका, लेकिन फिर भी उसकी बाउंड्री एक है ना. अब आपके लिए एक बाउंड्री है ना, भले ऊपर खुला हुआ है लेकिन यहाँ बाउंड्री है. ठीक है ना, कभी कोई झोला फेंक के भागने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन और क्या नहीं, हाँ अभी तो थोड़ा, कल कितने बजे आए प्रैक्टिकल देने, अब हम ए जीते हुए छह जितना कराए, बस 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 जबरदस्त. ए ओहो, हाँ
आर एफ कोई टर्म नहीं है, लिख दीजिए। हाँ हाँ ठीक है। तो जहां पर अगर एंड क्या है, ओके तो रिजिड अपोजिट एंड्स हैं बाउंड्री या रिजिड बाउंड्री है, वहां पर क्या होगा देखिए। फॉर अ सिस्टम, फॉर अ सिस्टम विद रिजिड बाउंड्री क्या हो जाएगा, रिजिड बाउंड्रीज रिजिड बाउंड्रीज सेपरेटेड बाई एल डिस्टेंस है ना, सेपरेटेड बाई डिस्टेंस, सेपरेट बाई एल, ठीक है ठीक है। तो ठीक है, तो अगर एक बाउंड्री यहां, यहां अगर एक बाउंड्री यहां क्या थोड़ा फंस रहा है ना, बार बार पैर में ठीक रहने दीजिए, फंसा हुआ ना ना तो चलिए रहने। हाँ तो ए भाई तीन देवियां उधर, तो ये देखिए यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर, यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर, यहां से ऐसे जाएगा और इसमें मान लेते हैं कि रेजोनेटरी ऑसिलेशन हो रहा है, रेजोनेंस के साथ ऑसिलेट कर रहा है ठीक है ना, और कोई डिस्टरबेंस भेज रहे हैं और वो रेजोनेटिंग ऑसिलेशन हो रहा है ठीक। सो अगर कोई ओके सपोज आर रेजोनेटिंग ऑसिलेशन, रेजोनेटिंग ऑसिलेशन रेजोनेटिंग ऑसिलेशन ऑफ यार ए ना लिखे हम ऑसिलेशंस ऑफ ओके रेजोनेटिंग ऑसिलेशंस ठीक, सपोज रेजोनेटिंग ऑसिलेशंस आर सेटअप ओके बिटवीन द बाउंड्रीज, बिटवीन द बाउंड्रीज ठीक है। तो यहां पर होगा क्या, ये आप कह रहे हैं बाउंड्री अगर रिजिड है तो दोनों एंड पर नोड बनेंगे और रेजोनेटिंग ऑसिलेशन कह रहे हैं कि रेजोनेंस है तो रेजोनेटिंग ऑसिलेशन है और नोड बाउंड्री पर होंगे। तो यहां पर क्या है, ए एक्स इक्वल्स जीरो है और यहां क्या x इक्वल्स एल, ठीक एल सेपरेशन यहां से यहां तक सेपरेशन है, ये ठीक। और तो कम से कम यहां पर होगा, अब हो सकता है कि ये बीच में और भी इतना तय है कि यहां से यहां तक, अगर यहां नोड है यहां नोड है तो ये तो तय है कि बीच में जैसी भी कंडीशन बनती है ये कम से कम ये सेपरेशन लैम्डा बाय 2 होगा है ना, या फिर अगर बीच में कोई और एक नोड बनता है तो फिर ये लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 2 होगा, अगर बीच में ये दो नोड और बनते हैं तो फिर लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा 2 है ना, फिर लैम्डा बाय 2 होगा। तो ऐसा होगा, हर हाल में होगा, या हमको ये क्लियर है कंफर्म है कि हां माध्य कान में कि एकदम तैयार है, ये यहाँ फट से उधर नोट बनाते हैं, हम इधर अपना वे भेज देते हैं। हाँ
ठीक है, इसीलिए फ्री में रिजल्ट हाथ लगने पर यही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। हाँ आवाज जा रही है, हाँ मतलब को छोड़ दे, पांच लोग यहाँ चार लोग पढ़ रहे हैं, तो देखिए तो ये पूरा लेंथ मैं बारी बारी हम सब चेहरा देखते रहे, मैं रोज कसम खाने की बोलवाएंगे रोज हमसे, हाँ ये बोला वो बोला वो बोला, यहां कुछ नहीं बोला जा रहा है, ये सब आ रहा है, सब बोल ही रहे हैं, सबका सुन लीजिए है ना। और जो मास्टर बोले कुछ मत सुनिए, तो उसके लिए नहीं आए हैं, ठीक है, फिसल जाएंगे, पेटकोला मिला के पास नहीं हो पाएंगे, मैं सही बता रहा हूँ। पहले का भी रिजल्ट खाली वो 10% उसी का जो देख के लिखे हैं उसका कम थोड़ी हो जाएगा, हाँ दोनों तो है ही ना हाफ ईयरली वाला कम कम, हाँ अभी तो हंसी आ रही, फिर लगे रिजल्ट का 27 तारीख को रोने गाने वहीं पर, तो फिर कहेंगे कि हाँ बड़ा बुरा हो गया, तब पेरेंट को भी टाइम हो जाएगा, चार बार आएंगे कि कुछ कर दीजिए, ठीक है ना, जब जो हो नहीं सकता और यहाँ जो कुछ करना है तो फिर लगे पड़े हैं, दूसरा कुछ हो रहा है। चलिए देखिए, तो ये पूरा सेगमेंट जो लेंथ है वो क्या होगा, या तो लैम्डा बाय टू होगा, यहां नोड बस बना, बीच में कोई नोड नहीं है, यहां अगर एक नोड यहां, एक नोड यहां, एक नोड यहां बना, अगर हम मान रहे हैं कि दो नोड तो किनारे बन गए तो एक पॉसिबिलिटी है, इसके बाद अगला चीज अगर बनेगा तो क्या होगा, एक और नोड बन जाएगा, कहां पर, बीच में एक और नोड बन जाएगा, ठीक। और उसके बाद भी अगर और कुछ चाह रहे हैं और भी हो सकता है, और पॉसिबिलिटी हो, लेंथ इतनी ज्यादा हो, फ्रीक्वेंसी इतनी कम हो, ठीक है ना, तो आगे मन तब कर जाऊं, ओके साइलेंट कर देते, हाँ तो ये और आगे वाला स्टेप क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम हो यानी वेवलेंथ छोटी हो जाए, हायर फ्रीक्वेंसी हो तो वेवलेंथ छोटी होगी तो नोड ज्यादा बन सकते हैं, ये हो सकता है, लेंथ वही है या लेंथ बड़ी कर दें तो भी चांस बनता है कि ज्यादा नोड बन जाए बीच में, तो यहां पर तो इस तरह से क्या होगा कि यहां नोड अगले बार क्या होगा, तो ये लैम्डा बाय टू का 1 times, लैम्डा बाय टू का 2 times, लैम्डा बाय टू का 3 times, और ऐसे ही अगर 3 नोड बीच में बन गए तो क्या होगा, लैम्डा बाय टू का 4 times, तो यही होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एक पहली कंडीशन कहने की यहाँ रेजोनेंस के साथ वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, रेजोनेंस के साथ वाइब्रेशन हो रहा है एक बात, तो इसका मतलब है कि नोड एंटी नोड बन रहे होंगे, मिनिमम क्या है दोनों रिजिड एंड है तो दोनों और नोड बनेंगे, ये तो कम से कम होगा ही होगा, हर हाल में रेजोनेंस और वाइब्रेशन हो रहा है तो मिनिमम ये चीज, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का अगर होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, बड़ा से बड़ा वेवलेंथ होगा तो क्या होगा, यहां नोड यानी पाइप की लेंथ लैम्डा बाय 2 के बराबर होगी, यानी वेवलेंथ कितनी होगी, पाइप का डबल लेंथ के बराबर होगी, ये नहीं होगा कि डबल लेंथ के बराबर, पाइप के डबल लेंथ के बराबर क्या होगा, इसका वेवलेंथ होगा, क्योंकि यहां से यहां तक तो वेवलेंथ का आधा है, तो ये हो सकता है। तो अगर क्या है कि सेटअप बिटवीन द बाउंड्रीज, ठीक, बाउंड्रीज के बीच में अगर बाउंड, ठीक, तो क्या होगा, डेफिनेटली दो नोड होंगे बाउंड्री किनारे किनारे, दोनों बाउंड्री पर, ओके क्लियरली नोड्स विल बी फॉर्म्ड एट द बाउंड्रीज, ठीक है ना, बाउंड्रीज पर क्या बनेंगे, ए नोड्स बनेंगे, ठीक है, तो नोड्स बनेंगे, बीच में भी नोड्स बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि मीडियम एल की वैल्यू कितनी है और आने वाले वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, या वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ छोटी होगी, तो बीच में और भी नोड बनने के चांस है, लेकिन ये एक चीज याद रखिए कि ये रेजोनेटिंग ऑसिलेशन होने ही होने हैं, ओके अब कोटा बीच में रास्ता बंद कर दिया, आप सब लोगों ने तो कैसे जाएं,
क्वेश्चन है कि कोटा आने वाले थे नहीं आए हाँ ओ एक बार बात हो रही थी कि हो सकता है जाना पड़े, अरे मुझे जाना बच्चों को लेके जाना हो सकता था और क्या। तो ये ठीक है ओके गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। ठीक है तो ये देखिए तो बाउंड्री पर क्या करें कि बाउंड्री पर ये नोट्स बन रहे हैं, ये तय होगा रेजोनेंस साथ ऑसिलेशन होगा, ये तय होगा तो बीच में एंटी नोड बनेगा। ठीक है सो सो नंबर ऑफ नोड बिटवीन द बाउंड्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ अदर नोड नोट्स इज देयर इफ फ्रीक्वेंसी इज हायर, अगर फ्रीक्वेंसी कुछ ज्यादा है तो बीच में भी नोड बन सकते हैं। ठीक है ना सो ये तो सबसे बड़ी सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं कि यहां नोड बनाए और यहां पर एंटी नोड बनाए, एक दो ही नोड बने। ठीक अगर फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो उसके आ जाएंगे बीच में भी नोड्स अपीयर होंगे। ओके ओके इफ फ्रीक्वेंसी इज हायर ऐसा हो सकता है तो अदर नोड्स भी बन सकते हैं हायर, देन अदर नोड्स मे अपीयर देन अदर नोड्स ठीक है बिटवीन द बाउंड्रीज या मीडियम में इन द इंटरवीनिंग मीडियम। ठीक है इंटरवेनिंग मीडियम या इन द मीडियम असल के मीडियम तो है ही है मीडियम है ना इन द मीडियम। ठीक है अगर और फ्रीक्वेंसी है हायर तो हो सकता है तो हम कम से कम ये कह सकते हैं कि ये जो सेपरेशन है बाउंड्री के बीच सेपरेशन तो कैसा बन रहा है ये लैम्डा बाय टू का वन टाइम हो सकता है टू टाइम हो सकता है थ्री टाइम हो सकता है फोर टाइम हो सकता है ऐसे तो और भी तो आगे क्या हो सकता है ये तो जो सेपरेशन है बाउंड्री का वो लैम्डा बाय टू का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है सो सेपरेशन बिटवीन बाउंड्रीज सेपरेशन बिटवीन बाउंड्रीज विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ठीक है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू ओके इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू किसी भी हाल में होगा अगर रेजोनेंस सेटअप होता है तो। ठीक है इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है तो रेजोनेंस की कंडीशन में क्या हो जाएगा ये लैम्डा बाय टू का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा अब तो एल इक्वल्स क्या हो जाएगा एन इंटू लैम्डा बाय टू एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए एन की वैल्यू बाउंड्री के बीच सेपरेशन जीरो अगर एन जीरो रखे तो एल क्या होगा जीरो तो भी रेजोनेटिंग ऑसिलेशन होगा वन वन से शुरू करेंगे कम से कम गैप कितना होना चाहिए लैम्डा बाय टू होना चाहिए ना हाँ तो वन टू थ्री फोर एंड सो ठीक है ये होगा तो ये तो अगर एल की वैल्यू लैम्डा बाय टू बराबर है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला ऑसिलेशन हो रहा होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो वेवलेंथ छोटी हो जाएगी तो उतने में दो दो वेवलेंथ आ सकती हैं ऐसा हो सकता है तो यही है तो क्या हो जाएगा वेवलेंथ क्या हो जाएगा फिर देन वेवलेंथ
वेवलेंथ ऑफ वेव्स क्या हो जाएगा यहां पर, लैम्डा इक्वल्स टू एल बाई एन, है ना, टू एल बाई एन, ये ऐसा, ये वेवलेंथ है जो वेव, जिन वेव से यहां रेजोनेटिंग ऑसिलेशन हो रहा है वो ये वेवलेंथ है ना, इतनी वेवलेंथ है, या तो 2L के बराबर हो, तो n इक्वल्स 1 हो तो 2L के बराबर होगा, या n इक्वल्स 2 हो तो क्या होगा, L के बराबर होगा, है ना। तो वहां पर जब L के बराबर, यानी वेवलेंथ के बराबर होगा तो क्या होगा, आधा वेवलेंथ ये, आधा वेवलेंथ ये, तो यहां भी नोड बनेगा, दो क्लोजेस्ट नोड के बीच में लैम्डा बाय 2 ही सेपरेशन होगा। तो अगर 1 लैम्डा के बराबर एक गैप होगा तो एक नोड बीच में बनेगा, ताकि ये लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 2, है ना, दो लूप में वाइब्रेट करेगा, ये तय है, ठीक। तो ये चलिए इसको हम इरेज करते हैं, अब करेंगे, मेरे पास जगह नहीं है। देखिए ये क्या हो जाएगा, अब तब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, स्पीड उस मीडियम में स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, मीडियम में स्पीड कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। स्पीड ऑफ वेव इन द मीडियम, स्पीड ऑफ वेव इन द मीडियम, इन द मीडियम इज कांस्टेंट, ठीक है, ये मीडियम में स्पीड कांस्टेंट है वेव की, तो वी, तो वी क्या हो जाएगा, v equals न्यू लैम्डा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, देन फ्रीक्वेंसीज क्या हो सकती हैं जिससे रेजोनेटिंग ऑसिलेशन होंगे, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ओके, विद विच रेजोनेटिंग ऑसिलेशंस आर सेटअप, ठीक है, कौन सी, कई फ्रीक्वेंसी है ना। अब देखिए ना, न्यू क्या हो जाएगा, ये न्यू इक्वल्स वी बाई लैम्डा, और वो क्या हो जाएगा, और न्यू इक्वल्स, न्यू और वी थोड़ा सा क्लियर लिखिएगा, है ना, खूब सुंदर सा बना देंगे तो वी और न्यू की जैसा लगेगा, कल जैसा डायग्राम बना थे सुपरपोजिशन वाला, वेव वाला, कई लोग ऐसा बता दिए थे कि जहां मैक्सिमम होना चाहिए वहां पर फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग हो गई थी, ऐसा खिचड़ी पका था। हाँ, कुछ लोग को बड़ा डिफिकल्ट लगता है। हाँ, तो न्यू इक्वल्स वी बाय लैम्डा, वी क्या है, वी तो यहां आई है, और लैम्डा की वैल्यू क्या है, 2L/N, ठीक है। तो एन वी बाई 2L, देख रहे हैं, वी कांस्टेंट है, एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 है, तो इसका मतलब क्या है, कई फ्रीक्वेंसीज हैं जिनके साथ ये ऑसिलेट कर सकता है, रेजोनेटिंग ऑसिलेशन हो सकता है ना। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कौन है, जब n इक्वल्स 1 है, देखिए ना, ये 1, यहाँ v बाई 2L, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, हाँ, सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कितना हो जाएगा, न्यू वन क्या हो जाएगा, हाँ, वी अपॉन 2L, ठीक है, व्हेन एन इक्वल्स 1, नहीं दिख रहा उधर ऊपर बनाए, चलिए यहां पर लिखते हैं, सुन लीजिए, सुन के लिखिए,
ठीक है, यहां पर ये कह रहा हूं v, ये न्यू दिख रहा होगा, न्यू फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर ऐसे लिखते हैं। तो अगर एन इक्वल वन आएगा तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतने से वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन बस यही फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसकी डबल से भी हो सकता है ना, अगली फ्रीक्वेंसी क्या है? ओके, द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी विद विच रेजोनेंस, अब इसका एक बढ़िया एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट करने का मन कभी भी कर सकते हैं, करने का मन होता अब का हो गया, हाँ, रेजोनेंस टेक्स प्लेस एक्सपेरिमेंट, वो कल हो ही गया था, लोग इतना बतियाते हैं समय बहुत लगता है क्लास पढ़ाने में, इसके लिए मैं एकदम से जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं पूरी तरह बहुत अच्छे शब्दों में कह सकता हूँ कि कोर्स डिले होने के लिए सीधे सीधे आप लोग जिम्मेदार हैं। हाँ मैं ना ना कोरोना तो कोरोना तो 40% है, लेकिन 60% आप लोग जिम्मेदार हैं। हाँ हाँ सबसे लेट शुरू हुआ, एक महीना लेट शुरू हुआ, वैसे भी अगस्त में जुलाई में शुरू होता था। हाँ आ? हाँ अच्छा, अभी पढ़ाई शुरू नहीं, ब्रेक। हाँ ए चुपचाप रहिए, चुपचाप रहिए, पता है कि शिवरात्रि को पढ़ाने लगेंगे, परेशान हो जाएंगे। हाँ चलिए, हाँ द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी विद विच रेजोनेंस टेक्स प्लेस क्या हो जाएगा? न्यू टू, है न्यू टू क्या हो जाएगा? टू वी बाई टू एल। हाँ जरूरी है क्या काटे ही थोड़ा सा ना, देखिए जानबूझ के ऐसा करते हैं कि यहां पर v अपॉन टू एल आ रहा है, 2v upon 2l आएगा, अगले में 3v upon 2l आएगा, तो 2l बढ़ाने देते हैं ताकि एक जैसा दिखे, थोड़ा गलत ना हो कहीं सोचते समझने में उसको, तो n equals 2, okay? Similarly, new 3 equals 3v by 2l, n equals when n equals 3, ठीक है? तो ये फ्रीक्वेंसीज देख रहे ना, इनमें रेशियो क्या है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज क्या है, क्वांटाइज्ड है, है ना, ये या ये एनर्जी के साथ या ये फ्रीक्वेंसी के साथ या ये फ्रीक्वेंसी के साथ या ये फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर सकता है ना, बीच में दूसरी फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेटिंग ऑसिलेशन नहीं कर सकता। तो ठीक है, और क्या हो जाएगा? एंड सो ऑन ठीक, ये होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इन फ्रीक्वेंसीज में क्या रेशियो है, न्यू वन न्यू टू न्यू थ्री, देखिए क्या है, न्यू वन का डबल ए है, न्यू टू न्यू वन का ट्रिपल क्या है, न्यू थ्री है, यानी वही वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम ऐसे फोर टाइम, ठीक है। एक तो ये सभी क्या है, यही नॉर्मल मोड्स हैं। तो न्यू वन टू न्यू टू टू न्यू थ्री एंड सो ऑन, दिस वन टू 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 थ्री टू फोर एंड सो ऑन, इनके बीच। हाँ तो इन्हीं फ्रीक्वेंसीज को हम नॉर्मल मोड्स कहते हैं, ठीक है, सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम नॉर्मल मोड्स कहते हैं। तो ये नॉर्मल मोड्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है, दीज फ्रीक्वेंसीज आर नॉर्मल मोड्स ऑफ द सिस्टम।
ऑफ द सिस्टम, ठीक है, ऐसा होगा। और तो सबसे जो कम फ्रीक्वेंसी है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी कौन है? अभी तो आप इसको ये तो लिखी रहे थे एन वी अपॉन टू एल, और एन वी अपॉन टू एल है ना, ऐसे लिख रहे थे। ये फ्रीक्वेंसीज हैं। एक कौन सा किसका है ये? दोनों एंड रिजिड हो तब का है ना, दोनों एंड रिजिड होगा तब का, दोनों ओपन होगा तब भी ये लागू होगा, दोनों अगर ओपन होगा तब भी यही चीज होगा, ठीक है। तो n इक्वल्स 1 2 3 4 ऐसे ये होगा। तो जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है कौन सी? v अपॉन 2l, इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं फंडामेंटल मोड है ना, या फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल टोन कहते हैं। और इस फ्रीक्वेंसी साथ वाइब्रेशन हो रहा है, क्या बोलते हैं कि फंडामेंटल मोड में वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक, या इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक है ना, फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं इस फ्रीक्वेंसी, इस मोड को। तो ठीक, तो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड फंडामेंटल मोड, इज कॉल्ड फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड, ठीक। ठीक, या फर्स्ट हार्मोनिक, इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक है ना, फंडामेंटल मोड या फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, या फर्स्ट हार्मोनिक ही कह देते हैं तो भी हो जाता है, ठीक है। हाँ ए बेटा, ये वायर अगर पाइप खत्म कर लेते हैं, खत्म ही हो गया, मतलब जितना पढ़ा दिया उसका अब आधा और रह गया उसमें। इसके बाद बीड्स हैं, बीड्स वो भी 20-25 मिनट का होगा, वो भी 20 बीड्स। अब टाइम देंगे हम लोग तो करा देंगे, थोड़ा डेरिवेशन है, ऑनलाइन थोड़ा कम समझ में आएगा, नहीं तो फिर भागेंगे तो भाग जाएगा, हम उसमें तो हाँ ए चले, फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक। तो ये हो जाएगा, तो इसमें इसको बोलते हैं कि सभी हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक, यानी ऑड और इवन, ए इनके बीच, ए सामने हो जाइए, फोन करूंगा शाम को घर पे मम्मी को, जाते ही लगेंगे पीटने। शाम को मैं पूछ लूंगा ना। हाँ चलिए, तो यहां पर तो टोटल बीच में देखो पानी होने की जरूरत हो, बीच में चल जाकर धीरे से आ जाया करिए और वापस आ जाया करिए, है ना। ब्रेक का मतलब कि 20 मिनट वैसे ही लग जाता है, और अब उसके बाद आते हैं 10 मिनट पढ़ते हैं फिर भागने की कोशिश, तो पढ़ाई ऐसे हो नहीं पाती, ठीक। बीच में आपको जरूरत लगे आप जाके चले जाइए धीरे से, ठीक है। हाँ डंडा लगता तो ठीक ही रहते, वैसे ही मान गए हैं कि हम लगेगा तब ठीक रहेंगे। अरे पागल है क्या, छोड़ तो नहीं लगी, बच गया ना, अरे दूसरा लेना, दूसरा बड़ा खतरनाक। अरे भैया इधर डेस्क बेंच के बीच गिरना बड़ा खतरनाक होता है, कभी पीछे चोट लग सकती है।
है ना, हाँ, इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। लैब में इसीलिए बोलते हैं थोड़ा फिसल गए, आगे गिर गए, वहां चाकू मकू लगा है। हाँ ठीक, तो ये फर्स्ट हार्मोनिक। तो यहां पर सभी अगर दोनों एंड क्लोज्ड हैं, ठीक, दोनों एंड क्लोज्ड हैं तो क्या होगा, ये तभी तब क्या है, ऑल हार्मोनिक्स यानी ऑड और इवन सभी हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो हार्मोन ठीक, दस ऑल हार्मोनिक्स ठीक है ना, ऑल हार्मोनिक्स कहते हैं ऐसे, ऑल हार्मोनिक्स या ऐसे ही लिखते हैं, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस्ड, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस्ड इफ बोथ एंड्स आर क्लोज्ड, ठीक है। तो दोनों एंड्स क्लोज हैं तो सभी हार्मोनिक प्रोड्यूस होते हैं। इसका बड़ी सबसे बढ़िया एग्जांपल स्ट्रेट स्ट्रिंग है, दो रिजिड एंड्स के बीच में जो स्ट्रेच्ड वायर है उसको डिस्टर्ब कर दें तो उसमें फ्रीक्वेंसी क्या उसमें होता है। और देखिए फ्रीक्वेंसी तो टेंशन पर डिपेंड करती है, स्पीड भी टेंशन पर डिपेंड करती है, और मास पर लेंथ नाम आया था एक बार वहां पर। तो इसका एग्जांपल है वो स्ट्रेच्ड वायर है, ठीक है, बिटवीन टू रेजिडेंट्स। सो क्या एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल, इस क्या हो जाएगा, कॉमन एग्जांपल ऑफ द सिस्टम रिजिड एट विद रिजिड एंड्स इज, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्ट्रेच्ड वायर इज स्ट्रेच्ड वायर एट बोथ एंड्स, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये अगर एक रिजिड वायर हम यहां देखिए, हाँ चलिए इधर, तो ये यहां पर क्या बात करते हैं हम लोग कि अगर हाँ अगर यहां पर ये वायर स्ट्रेच्ड वायर है तो यहां पर नोड होंगे, यहां नोड होंगे, एक ऐसे से वाइब्रेशन होगा, यहां पर इस तरह का वाइब्रेशन होगा, और यहां पर एंटी नोड होगा, ठीक, ये होगा तय, और ये पूरी लेंथ कितनी होगी यहां से यहां, लैम्डा बाई टू, वही एल, ठीक। इसको आप फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन कह सकते हैं, फंडामेंटल मोड, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक ये, और अगला क्या, यहां अगर दोनों ओर रिजिड है तो कह रहे हैं कि यहां अगर और इससे आगे जस्ट इसके बाद वाला क्या मोड हो सकता है, इसके बाद वाला ऐसा मोड होगा कि बीच में एक और नोड बन सकता है, ठीक।
तो बीच में और नोड बनेगा तो फिर यहां बनेगा, ये नोड बनेगा, एक नोड यहां रहेगा ही रहेगा हर हाल में, और यहां एक नोड रहेगा ही। तो हाँ, तो जब वायर ऐसे होगा तो फिर यहां वाला ये वाला सेगमेंट इधर होगा, नीचे होगा, ठीक। हाँ, और जब यही ये इस तरह वायर होगा, अगर अगले हाफ में क्या होगा कि ये यहां नीचे होगा, ये ऊपर होगा, तो ये हाँ चलिए इसमें कौन सा बड़ी ठीक है, ये वाइब्रेशन। तो यहां पूरा यहां से यहां तक ये पूरा 1 लैम्डा का गैप हो गया, इसको बोलते हैं फर्स्ट सेकंड हार्मोनिक, ये सेकंड हार्मोनिक, ठीक है। तो आगे जो सभी ये सेकंड हार्मोनिक यानी जो अगली फ्रीक्वेंसी है वो सेकंड हार्मोनिक बोलते हैं ये, और इसके बाद क्या होगा, बीच में दो नोड हो सकते हैं, यानी लैम्डा बाय टू के हिसाब से क्या होगा। देखिए वायर की लेंथ वही है, ये कब सिचुएशन बनती है कि आप हायर फ्रीक्वेंसी की वेव भेज दीजिए, तब सिचुएशन बनती है, ठीक है। तो यहां पर 1/3 पार्ट में यहां देखिए ये हो जाएगा यहां ऐसे, तो इस तरह से ये हाँ ऐसे होगा, तीन लूप में वाइब्रेट कर रहा है, तीन लूप वाइब्रेट करेंगे मतलब कि यहां पर एक नोड यहां किनारे किनारे एक नोड बनी रहे थे, बीच में दो नोड बनाया यहां भी और यहां भी, और ठीक है ठीक है। तो यहां पर यहां एंटी नोड था, यहां एंटी नोड था, ये एंटी नोड है, तो यहां हुआ क्या होगा, यार टेंशन बढ़ा दिए होंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई होगी, ठीक है, ये हो सकता है, या जो सोर्स भेज लगाए हैं वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी का ही है। तो ये सेकंड, ये थर्ड हार्मोनिक इसकी फ्रीक्वेंसी, और ऐसे अगला स्टेप और हो सकता है, चार फोर लूप में वाइब्रेट करें, दो वेवलेंथ हो यहां से यहां, ये वेवलेंथ आप तीन ही बनाइए कोई दिक्कत नहीं, 3 लैम्डा बाय 2 यहां, ठीक है। और यहां पर फिर ऐसा बीच में ये हो गया और यहां एक हाँ हाँ ये हो गया। तो इस तरह होगा इस समय, और तो यहां नोड तो बनी रहे थे, यहां ये नोड ठीक है, यहां की फ्रीक्वेंसी अलग है, यहां का हर एक जगह का वेवलेंथ अलग है, ठीक, ये हर जगह का यहां वेवलेंथ अलग है, हर जगह की फ्रीक्वेंसी अलग है यहां, ठीक है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू 1, ये न्यू 2 फ्रीक्वेंसी है, ये न्यू 3 फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी यहां पर न्यू 4 है, और अच्छा होता है इस तरह कहेंगे कि ये लैम्डा 1/2 है, या वेवलेंथ अलग है, यहां वेवलेंथ अलग है, लैम्डा 2 है,
यहां वेवलेंथ क्या है लैम्डा थ्री है, ठीक, यहां वेवलेंथ अलग है और यहां पर वेवलेंथ और भी अलग है, फ्रीक्वेंसी भी अलग है वेवलेंथ अलग है, तो यहां न्यू थ्री यहां पर न्यू फोर फ्रीक्वेंसी है, तो हाँ ठीक है, ए तो यहां न्यू फोर फ्रीक्वेंसी है, न्यू फोर फ्रीक्वेंसी और यहां पर वेवलेंथ क्या है पूरा ए लेंथ कितना है टू लैम्डा फोर, यहां की वेवलेंथ का टू टाइम्स टू लैम्डा फोर, ये ओके एक सेवेंथ का बच्चा कह रहा है कि सर कोई नहीं देख रहा हाँ नहीं इसमें और कोई इलेवेंथ नाइन्थ का है नहीं तो अपना वही आ हाँ ठीक है ठीक है चलिए तो ये तो हो गया दोनों एंड पर सिस्टम क्लोज्ड है तब का, अगर दोनों एंड पर ओपन है तब भी यही सिचुएशन बनती है सारे स्टेप्स वही रिपीट होते हैं ठीक, और ये ओपन आगन पर ओके अच्छा अब हो सकता है कि किसी मोड में वाइब्रेशन और एक साथ एक से ज्यादा मोड्स भी एक्टिव हो सकते हैं, कहने का मतलब क्या है कि ये तीन लूप में वाइब्रेट कर रहा देखने में लग रहा है, ये तीन लूप में वाइब्रेट करते हुए भी ऐसे ऐसे भी कर सकता है, यानी पूरा ये तीन लूप ऐसा सा बना हुआ, ये हम बगल में ऐसे बना दे रहे हैं कि ये तीन लूप ऐसा बना हुआ ऐसे, ये ऐसे ऐसे बना हुआ और ये पूरा का पूरा ऐसे होते हुए ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है ना, ये तीन लूप बना हुआ भी एक लूप में आइसोलेट कर सकता है ठीक है, तो ये यहां जाएगा और ये यहां पर ऐसे ऐसा ठीक, ये ऐसे तीन लूप वाइब्रेट कर रहा है, यहां ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो एक ही साथ एक से ज्यादा मोड्स भी एक्टिव हो सकते हैं ना, एक ही साथ एक से ज्यादा मोड्स एक्टिव हो सकते हैं, यानी वो ध्यान से देखेंगे तो पता है कि वो एक लूप में ऐसा वाइब्रेट करता हुआ दिख रहा है और उस एक लूप में भी दो दो लूप बीच में बने हुए हैं, दो दो लूप में वाइब्रेट कर सकता है एक साथ हाँ हम लोग हंसी भी आ जाती है, मुझे समझ नहीं आता, मुझे लगता कुछ बहुत बढ़िया कर रहे हैं ऐसा कुछ, बहुत नॉर्मल सी बात लगती है कि क्लास उधर चले हम इधर बात करें, इतना सिंपल बहुत बात लगती है ना, और उस बात हंसी भी आ रही है कुछ अच्छा ही कर रहे थे, कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं कर रहे थे, ये नॉर्मल सी बात है हमारा राइट है जैसे लगता है कुछ हाँ ठीक, तो ये तो एक साथ क्या कर रहे थे कि एक साथ कई मोड्स एक्टिव हो सकते हैं,
यानी दो लूप में वाइब्रेट करता हुआ भी एक सिंगल लूप ऐसे दिख सकता है, दिख रहा है कि दो ऐसा तीन है, और तीन बना हुआ भी तीन मिलके ऐसे से पूरा कर ऊपर नीचे कर। तो ये एक साथ इस स्ट्रिंग में क्या हो सकता है कि एक साथ दो या दो से ज्यादा मोड्स भी एक्टिव होते हैं, और हम जो देखते हैं क्या देखते हैं कि कौन किस मोड की एनर्जी ज्यादा है, किस फ्रीक्वेंसी के साथ वो बड़े बड़े ऑसिलेशन कर रहा है, तो वही मोड हमको दिखता है क्लियर। अदरवाइज कोई भी सिस्टम जो बाउंड सिस्टम है वो कई फ्रीक्वेंसीज के साथ वाइब्रेट कर रहा होता है। ओके तो ये क्या होता है, तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग या बाउंड सिस्टम क्या हो सकता है, बाउंड नोट ये कह सकते हैं, अ बाउंड सिस्टम में वाइब्रेट इन टू और मोर देन टू मोड्स एट अ टाइम, ठीक है ना, एक ही टाइम में दो या दो से ज्यादा मोड्स में वाइब्रेशन हो सकता है, बिल्कुल होता भी है। इवन जो सिग्नल है ये आपका, मान लीजिए वॉइस सिग्नल है, कोई म्यूजिक है, कोई गाना वाना है ना, तो उसमें भी अगर डिस्टरबेंस, वो डिस्टरबेंस ही एक तरह से किसी मीडियम में डिस्टरबेंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चाहे आपने वोल्टेज के फॉर्म में सिग्नल बनाया, जो इलेक्ट्रिक वायर से सिग्नल जाता है क्या होता है, वोल्टेज के फॉर्म में होता है, तो वो जाता है, तो उसमें क्या होते हैं कि आपने वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया, तो जो डिटेल्स हैं सिग्नल के, जो सिग्नल के डिटेल्स हैं वो क्या होते हैं, ऐसे ही बटे होते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ, उसकी उसके ओवरटोन के साथ, हायर हार्मोनिक के साथ, और एक ही साथ कई हायर हार्मोनिक्स और उनके भी मल्टीपल्स में सिग्नल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो सिर्फ होता है कि कोई सिस्टम या कोई जो स्पीकर है या एक तरह से कोई किसी तरह का आप इस एक ट्रांसड्यूसर कहते हैं, जैसे माइक और ये सब, उनमें कहते हैं कि जितने ज्यादा फ्रीक्वेंसीज को, जितने ज्यादा ओवरटोन्स को ये कलेक्ट कर लेता है, उतना ही अच्छा म्यूजिक सुनाई देगा, सारी चीजें सुनाई देगी, डिटेल सारे समझ में आएंगे, रिजोल्यूशन उसका बढ़ जाता है, ऐसे बोलते हैं ठीक। या हम बोलते हैं, जैसे हमारे कहते हैं कि हम लोगों की फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारे बोलने की फ्रीक्वेंसी क्या है, 300 से 3100 हर्ट्ज तक, 300 से 3100 हर्ट्ज के बीच हम बोलते हैं, हमारी जो बोलने की फ्रीक्वेंसी है। सुनने की तो ज्यादा है, सुनने की तो हमारी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, लेकिन बोलने की जो हम बोलते हैं, हमारी स्पीच सिग्नल है, और उसके वाइब्रेशन कितने के होते हैं, 300 से लेके 3100 यानी 3100 तक होते हैं। लेकिन अगर 3 करोड़ भी लोग अगर एक साथ यहां रख दिए जाएं, सबको अलग अलग, सबकी वॉइस सुनी जाए, तो सबको अलग अलग पहचाना जा सकता है, यानी सबकी वॉइस में डिफरेंस होगा। जबकि होना चाहिए कि सब, अगर बस 2800 का ही रेंज है तो 2800 लोगों में ही फ्रीक्वेंसी का क्या होना चाहिए, अरे उसमें भी हमारी बोलने की फ्रीक्वेंसी 2000 के आसपास होती है, 2000 हर्ट्ज के आसपास, ठीक है, तो 2000 के आसपास सबकी फ्रीक्वेंसी होती है, किसी 1500 से 2200-2300 के बीच होती होगी, यही ना होती होगी, तो इस फ्रीक्वेंसी में सभी को बोलना चाहिए, यानी सबकी जो सब लोग बोलते हैं, सबकी वॉइस बहुत सारे लोगों की मैच करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अलग अलग लोग बोलते हैं तो अलग अलग पहचान लेते हैं, चाहे आप लाखों लोगों से मिले हों तो भी बोलने वाले की आवाज पहचान लेते हैं, जैसे अब सबके सबसे तो आप मिलते नहीं, लेकिन आप टीवी में जितने, चाहे वो कोई एक्टर हो, चाहे कोई नेता हो, या कोई ऐसी कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, सबको आप सुनते हैं, बिना देखे उनकी आवाज पहचानते हैं, अगर वो बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यही बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए पहचानते हैं कि हम जब बोलते हैं तो हमारे बोलने में जो फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होती हैं, तो केवल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं होती, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ सारी फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन होता है, तो किसके गले के वोकल कॉर्ड में ज्यादा हार्मोनिक्स कम हार्मोनिक का मिक्सचर होता है, वो मिक्सचर ही अंतर कर लेता है,
है कि नहीं, मतलब उतना ही, जैसे आप बोलते हैं कि आप कोई रेसिपी बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो उसमें उतने ही मसाले, उतने ही कंपोनेंट, उतने ही इंग्रेडिएंट सब डालेंगे, लेकिन अभी का बनाया हुआ और थोड़ी देर बाद बनाया हुआ थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। एकदम बराबर बराबर नाप के सब डालेंगे तो भी आज वाला कल वाले में अंतर हो जाएगा, इसलिए कि कहीं ना कहीं मिक्सिंग का डिफरेंस आ ही जाता है। तो वही है कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और हायर फ्रीक्वेंसीज हैं, उनकी मिक्सिंग में अंतर आ ही जाता है, तो इसको हम बोलते हैं। इसलिए अब मिक्सिंग का इतना बड़ा कॉम्बिनेशन है कि सबके में कुछ ना कुछ अंतर कर देता है, ठीक। सो और वॉइस इज मिक्सचर ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज एंड मेनी ओवरटोन्स। ओवरटोन्स का मतलब हायर हार्मोनिक्स, वो भी डिफरेंट अमाउंट में, किसी में सेकेंड हार्मोनिक ज्यादा है, किसी में थर्ड हार्मोनिक ज्यादा है, किसी में फर्स्ट सेकेंड मिला करके थर्ड से ज्यादा है, पता नहीं कितने कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। इसलिए हर एक की जो वॉइस है वो अलग अलग समझ में आती है, तो केवल सिंगल फ्रीक्वेंसी की नहीं होती, या हम बोलते हैं तो हम वैसे भी कई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और कई फ्रीक्वेंसीज का भी कई तरह का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसलिए होता है, ठीक। मोर देन टू मोड्स एट अ टाइम हो सकता है, लेकिन हम किसको फील करते हैं, हम किसको एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके लिए एनर्जी ज्यादा है, जो मोड ज्यादा एक्साइटेड है, ठीक है ना। सो वी ऑब्जर्व द मोड प्रोमिनेंटली। हम कौन से मोड को ऑब्जर्व करते हैं प्रोमिनेंटली, विच आर मोर एक्साइटेड या जो क्या होते हैं ज्यादा एनर्जी के साथ होते हैं, और विच टेक प्लेस विद हायर एनर्जी या एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, हायर एनर्जी या उसको एम्पलीट्यूड, ठीक। ये तो ऐसा होता है, तो सेम थिंग हमारे वॉइस में भी, मिक्सचर ऑफ हार्मोनिक्स उसलिए डिफरेंस आता है, ठीक। अब दोनों और ओपन होगा तो उसको थोड़ा हम जल्दी रिपीट करते हैं, सारी चीजें वही बताना है तो इसलिए बस रिपीट कर लेते हैं। ए भाई देखो, जाना हो चले जाइएगा, थक गए हो तो, ठीक है, क्योंकि मैं खाली रहेगा तो भी हम इसको पढ़ा के छोड़ देंगे। हाँ भाई, कुछ काम थक के करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। हाँ अब ये वाला ये हार्मोनिक्स पढ़ा के तब छोड़ ब्रेक देंगे। ए भाई अब मिटा दिए, अब कब का वेट कर, दूसरा चीज बताने को वेट कर। हाँ लिख लीजिए और देख लीजिएगा उसमें। हाँ हाँ देखिए, और बोथ एंड ओपन सिस्टम, ओपन विद सिस्टम्स विद ओपन बाउंड्री, ओपन बाउंड्री एट बोथ एंड्स। तो दोनों एंड्स पर ओपन बाउंड्री है, तो क्या है वहां पर, क्या बनेंगे, पहले ही कर दिया ओपन बाउंड्री है, एग्जाम्पल से ओपन आंगन पाइप बोलते हैं, एक पाइप दोनों खुली हुई है, ठीक है ना। सो हाँ बाउंड्री बगल में बाउंड्री है ना, बगल में बाउंड्री है, वही काफी है। एक सिंपल का तो ना, एक मटका भी या एक घड़ा भी, एक कोई बर्तन भी क्या है, अपने आप में एक बाउंड्री इसकी में है, ठीक। आप एक टेबल ही ले रहे हैं, जो टेबल आपका है नीचे मार्जिन भरी हुई नहीं है, तो उस मार्जिन के में एक एयर घिरी हुई है, भले नीचे खुला हुआ है तो एक क्लोज एक बाउंड्री बन रही है इसकी, तो बाउंड सिस्टम है वो, तो ठीक।
एग्जाम्पल क्या है? ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, तो बाउंड्री ओपन है तो क्या होगा? यहां पर अगर ओपन है तो ये यहां ओपन है तो यहां क्या बनेगा? एंटी नोड बनेगा। अगर ये एल लेंथ है, यहां पर भी हूबहू सारे सारे स्टेप्स वैसे ही रिपीट होने हैं, ठीक है, सारे स्टेप्स वैसे ही रिपीट होने हैं, तो ठीक, तो यहां क्या होगा? लेंथ अभी दोनों एंड पर क्या होगा? तो ओपन है तो क्या होगा? दोनों एंड पर क्या बनेगा? दोनों एंड पर एंटी नोड बनेंगे, ठीक, तो एंटी नोड बनेंगे। तो क्या हो जाएगा? इन दिस केस ओपन है ना, एंटी नोड्स, इन दिस केस एंटी नोड, एंटी नोड्स विल अपीयर, अपीयर अपीयर एट द एंड्स, एंड्स पर एंटी नोड अपीयर होंगे, ठीक है ना। और तो बीच में क्या होगा? कम से कम बीच में तो कम से कम एक नोड होगा ना। अगर ये दोनों एंटी नोड है, अजय और अमर स्कूल गए हैं क्या? हाँ हैं, बिल्कुल आए हैं। सुमित नाम है भैया का नाम है, है? चलिए बाघ बड़े शुभ चिंतक हैं जी आपके। हाँ आए हैं लोग, पढ़ रहे हैं अभी, अभी पढ़ेंगे, ये बेचारे जा नहीं पाएंगे आज दो घंटा से पहले। हाँ देखिए हाल चाल लेने वाले, काश हमारे यहाँ भी हाल चाल लेने वाले ऐसे होते इतना तो हम भी घर रहते। क्या 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 नहीं, दवाई वाला अभी तबीयत मेरी नहीं खराब, अभी मैं ठीक हूँ। हाँ क्या कौन गिफ्ट है मेरे पास? मुझे बहुत कम जरूरत पड़ती है, कभी भी साल में एक बार कुछ खा लेता हूँ टैबलेट, ज्यादा नहीं मुझे जरूरत पड़ती, अभी तो ऊपर वाले ने साथ दिया हुआ है। हाँ अब आगे चल के जो होगा वो आपसे मांग लेंगे पैरासिटामॉल, आप रहेंगे आजमगढ़ में तब ना। हाँ आ? क्या आप ही पर क्या भरोसा करें हैं? जब रहना है तो भी भाग ले रहे हैं। हाँ चलिए, सो बोथ एंड सभी, तो बीच में क्या होगा? एक है ना, बीच में एक एंटी नोड होगा ही होगा, अरे नोड होगा, अगर यहाँ एंटी नोड यहाँ एंटी नोड तो बीच में क्या होगा? एक नोड होगा ही होगा। तो डेफिनेटली ओके, इन दिस केस एंटी नोड्स विल अपीयर एट द एंड्स एंड एट लीस्ट, ठीक है ना, एंड एट लीस्ट वन एंटी नोड, वन एंड वन नोड, सॉरी वन नोड विल बी इन द मिडिल, ठीक है, मिडिल में कम से कम एक नोड होगा, विल बी इन द मिडिल, ठीक। हाँ तो बीच में एक कर, एक कम से कम, तो क्या होगा? ए भी होगा, ए भी मिनिमम, तो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ जो वाइब्रेशन होगा उसके लिए भी क्या होगा? लेमडा बाय टू होना चाहिए। एक नोड, एक एंटी नोड, एक एंटी नोड और यहां नोड है, ठीक, तो एक एक एंटी नोड, एंटी नोड, नोड, और तो यहां पर लेमडा बाय टू कम से कम सपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो रेजोनेटिंग वाइब्रेशन सेटअप होने की कंडीशन में क्या होना चाहिए? ये पूरा पाइप
लेमडा बाई टू का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए फ्रीक्वेंसी से, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो सकता है, ओके। तो रेजोनेटिंग वाइब्रेशंस, रेजोनेटिंग वाइब्रेशंस में वाइब्रेशंस कैन बी सेटअप विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ओके। सो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ रेजोनेटिंग वाइब्रेशन सेटअप होंगे, कौन सा, फॉलोइंग द कंडीशन, कौन सी कंडीशन, कि ये जो लेंथ है या तो लैम्डा बाय टू है ना, या लैम्डा बाय टू है, या बीच में एंटी नोड एक और बन गया, तो नोड यहां यहां बनेंगे, तो फिर क्या बनेगा। अब सोचिए कि यहां एंटी नोड है, तो बीच में अगर यहां पर भी एंटी नोड बन गया, तो फिर यहां नोड बनेगा, तो फिर क्या होगा, लैम्डा बाय टू क्या होगा, 1 लैम्डा, फिर वही चीज है, ओके। फ्रीक्वेंसीज, हाँ, देन क्या हो जाएगा, एल इक्वल्स क्या हो जाएगा, एन लैम्डा बाय टू, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी अलग होगी, बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी तो छोटी वेवलेंथ होगी, तो यहां ज्यादा नोड एंटी नोड अपीयर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कम से कम ऐसा होगा, और एन क्या हो जाएगा, एन इक्वल्स 1, 2, 3, 4 एंड सो, ठीक। तो उसके बाद फिर क्या होगा, अभी वैसे ही आगे बढ़ेंगे, तो कई वेवलेंथ हो, यानी कह सकते हैं ना भाई, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेटिंग वाइब्रेशन कर रहा है, तो अलग अलग वेवलेंथ भी तो होगी ना, ठीक। तो वेवलेंथ और वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स 2L/N, वही रिपीट हो रहा है इसमें, तो ठीक है। और लैम्डा एन कह सकते हैं, कई मोड्स के वाइब्रेशन हो रहे हैं, और वेव लेंथ ऑफ एनथ मोड, ठीक, एनथ मोड यहां वेवलेंथ क्या होगा, लैम्डा एन इक्वल्स 2L/N, ठीक। तो स्पीड तो फिर यहां भी कांस्टेंट है, यहां भी मीडियम है, स्पीड विल बी कांस्टेंट, अगेन स्पीड विल बी कांस्टेंट, ठीक है ना। स्पीड क्या करें, स्पीड विल बी कांस्टेंट, ले लेंगे मोबाइल, रख लेंगे ही, प्रिंसिपल साहब रखे हैं 4 ठो, मां हो जाके, ठीक, स्पीड विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो चलिए, हाँ, क्या लग रहा है, देखिए खत्म लग रहा है, हाँ फिर तो आगे बढ़िए, ठीक। अगर तो मंगा दूंगा समोसा, खा लीजिएगा। हाँ, ए हल्ला नहीं, हाँ, कांस्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ एनथ मोड क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनथ मोड ये हो जाएगा न्यू
एन इक्वल्स वी अपॉन लैम्डा एन, ऐसे, क्योंकि हर मोड का अलग अलग वेवलेंथ होगा, पिछले बार भी 1-2 लिखा हुआ था मैंने, ठीक है ना। तो न्यू एन बस वो अगला छोटा ही है, 10 मिनट में हो जाएगा अगला वाला, उसका ब्रेक देंगे, उसके बाद आपको फिर बीट्स पढ़ाएंगे, है ना, आधे घंटे का ब्रेक, बहुत ज्यादा नहीं। हाँ सात, हाँ सुबह से लोग पढ़ रहे हैं, इनकी भी लिमिटेशन थोड़ी समझिए। हाँ चलिए आई, तो ये हाँ, तो v अपॉन 2l अपॉन n, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, n v अपॉन 2l वही हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो जो फर्स्ट हार्मोनिक क्या हो जाएगा, फर्स्ट हार्मोनिक या क्या है, फंडामेंटल मोड ये न्यू वन क्या हो जाएगा, v अपॉन 2l n इक्वल्स 1 के लिए, सेकेंड हार्मोनिक इसको ओवरटोन भी कहते हैं, हाँ सेकेंड हार्मोनिक न्यू 2, ठीक, 2v अपॉन 2l n इक्वल्स 2, ठीक, ये सेकेंड हार्मोनिक या इसको फर्स्ट ओवरटोन भी कहते हैं, ओवरटोन ऐसे, हाँ फर्स्ट ओवरटोन मतलब ऊपर वाला है ना, फर्स्ट ओवरटोन, वे सब एक्सपेरिमेंट करके दिखाने लायक होता है, वही तो आप लोग रुकने के लिए तैयार ही होते तो क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब हाँ 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 देखिए थर्ड हार्मोनिक, लेकिन वो कोचिंग वाला सर बोल देते हैं ना कि वो नहीं करना है प्रैक्टिकल, कोचिंग वाले सर बोल दिया करते हैं ना कि प्रैक्टिकल करने से कुछ नहीं होता है, 30 में 30 ऐसे ही मिल जाता है, इसलिए बच्चे नहीं करते हैं ना, कई सर लोग ऐसे महान काम कर देते हैं। हाँ हाँ चलिए ये ओके। हाँ अरे शांत रहिए, चलिए आप लोग देखिए एंड सो ऑन, ये सेकेंड ओवरटोन इसी को बोलते हैं, सेकेंड ओवरटोन, हाँ थर्ड हार्मोनिक को सेकेंड ओवरटोन कहते हैं, ठीक एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक ये हो। तो सभी हार्मोनिक यहां भी प्रोड्यूस होते हैं, है ना, यहां को भी बोलते हैं कि ऑल हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस्ड, बस यही है कि दोनों क्लोज्ड हो, पहले ही बताया, शुरुआत में ही बताया कि दोनों एंड क्लोज्ड हैं या दोनों एंड क्या है ओपन है, ठीक, तो हाँ दोनों एंड क्लोज है, दोनों ओपन है, तो क्या हो जाएगा, उसमें ऑल हार्मोनिक प्रोड्यूस होते हैं सभी हार्मोनिक, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, हियर ऑल्सो ऑल हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक। तो new one to new two to new three and so on equals 1 to 2 to 3 and so on, ठीक है, ये तो सभी हार्मोनिक यहां ही प्रोड्यूस होते हैं हर फ्रीक्वेंसी।
ठीक, नीचे लिखा हुआ हियर ऑल हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस्ड, हियर ऑल्सो ऑल हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस्ड, नीचे ही लिखा, ठीक। तो देखिए यहां दोनों ओपन है, तो हम वैसे पिछले बार जिस बनाया था वैसे बना देते, नहीं वो पाइप इसमें बनाना है, कौन नहीं 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 ये वो क्लोज था, ये ओपन है, हाँ। तो ये केस है एक ऐसा, और यहां पर एक केस देखिए, हाँ तो दोनों रुपए देखिए यहां क्या बनेगा, एंटी नोड, यहां एंटी नोड, बीच में नोड, यहां पर हाँ फड़ा, वहां बाद में कहेंगे मैं लिखे नहीं तो फिर कहीं लेट हो जाएगा, कैसे लिख चुके हाँ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हम एंटी नोड को भले साउंड वेव की वजह से बना है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की वजह से बना है, लेकिन इसको दिखाने में थोड़ा आसान होता है, कैसे इस तरह से जैसे ट्रांसवर्स जैसा बना हो हाँ। तो ये यहाँ पर जो एक एंटी नोड और नोड बन रहा है, यहाँ देखिए एंटी नोड और नोड एक बीच, तो ये क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक है, फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है, ये पूरी लेंथ लेंथ है, कहीं है एल लेंथ, और फर्स्ट हार्मोनिक है, और यहाँ पर कंसेक्यूटिव हार्मोनिक, कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच में जो सेपरेशन है वो क्या है, लेमडा बाई टू, ये लेमडा वन बाई टू है ना, ये यानी यहां की वेवलेंथ अलग है, यहां की वेवलेंथ अलग होगी, ठीक। अगले स्टेप में क्या हो सकता है कि यहां पर एक एंटी नोड बने, एक एंटी नोड बीच में भी बन जाए, अगला स्टेप है, अगला रेजोनेंस यही हो सकता है, तो यहां पर एक बीच में एंटी नोड बन जाए, तो अब दो एंटी नोड के बीच एक नोड भी होगा, यहां पर ये नोड भी होगा, फिर तो यहां जो बनता है ये कलर नहीं लेते हैं, ठीक, ये ऐसे ठीक, यहां पर ऐसे एंटी नोड ये बनेंगे, तो वन फोर्थ लेमडा, हाफ लेमडा, वन फोर्थ, कितना हुआ, वन वन लेमडा हुआ, तो ये सेकेंड हार्मोनिक का पूरा एक वेवलेंथ है ना, हाँ। तो ये यहां से यहां देखिए, ये तो क्या है लेमडा बाई टू, यहां लेमडा टू के बराबर है, पूरा वन लेमडा जो लेंथ है वो पूरा वन लेमडा के इक्वल है, ये यहां की वेवलेंथ अलग है। और अगला जो नेक्स्ट वाइब्रेशन हो सकता है उसमें यही होगा कि उसमें दो बीच में एक और एंटी नोड हो जाए, चार एंटी नोड हो जाए, एंड पर तो होंगे ही होंगे, एंड पर तो एंटी नोड होंगे ही होंगे यहां पर,
और एक एंडी नोड यहां एक यहां ऐसे हो जाए। हाँ, अब दो एंडी नोड के बीच तो नोड रहेगा ही रहेगा, ठीक। तो यहां नोड होगा, यहां नोड होगा और यहां नोड होगा, ठीक। हाँ, तो ये ऐसे और यहां पर ऐसे, ठीक है। ये हाँ, ये हो गया। और फिर इसके आगे अगला ऐसे चपले तो और बढ़ता जाएगा। यहां पर ये देखिए कितना हुआ, वन फोर्थ, हाफ हाफ, वन हो गया वन फोर्थ, टू एंड हाफ। यहां हो गया लैम्डा बाय टू, अरे यहां वन एंड हाफ। तो ये पूरा गैप यहां से यहां जो था वो थ्री बाय टू लैम्डा, यहां से इस वाले में, थर्ड वाले में थ्री लैम्डा, थ्री बाय टू, जगह भी नहीं बची। चलिए नीचे वाला नहीं बनाते, ये नीचे नहीं हो गया, समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। ऐसे ही और बनेंगे और क्या, पांच एंटी नोड हो जाएगा यही। तो ये ओपन आर्गन पाइप के फॉर्मेशन है, ऐसे बनते हैं, ठीक। और एक एक इनक्लोज है, वो छोटा सा दस मिनट में हो जाएगा। हाँ, इसके उसको बता दे, खत्म हो जाए वाला, फिर बीट से रह जाएगा ना। सिस्टम विद ओपन बाउंड्री एट वन एंड, एट वन एंड, ठीक। एक एंड पर ओपन है बाउंड्री, तब वहां पर कैसा हो जाएगा, ठीक। तो एग्जाम्पल इसका क्या, एक वही क्लोज आर्गन पाइप, कहते हैं कि क्लोज आर्गन पाइप एट वन एंड, एक एंड पर आर्गन पाइप अगर क्लोज होगा वहां पर, ठीक। तो एग्जाम्पल इसका क्या है, आर्गन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, क्लोज्ड एट वन एंड, ठीक है। तो आर्गन पाइप क्लोज एट वन एंड, ये तो देखिए, तो क्लोज आप जानिए, पहले से जाना है कि ओपन एंड पर एक एंटी नोड बनेगा और क्लोज एंड जहां होगा वहां पर नोड बनेगा। और एक नोड और एक एंटी नोड जो सबसे, एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की जो सबसे कम सेपरेशन है वो कितनी हो सकती है, एक नोड और एंटी नोड के बीच, हाँ लैम्डा बाय 4, वही ना, जो सबसे क्लोज वाले एक एंटी नोड है उनके बीच लैम्डा बाय 4 का सेपरेशन हो सकता है। यानी यहां पर देखिए, ये एंटी नोड और नोड, इसका भी सेपरेशन कितना है, लैम्डा बाय 4, या यहां यहां क्या है, लैम्डा बाय 4, नोड नोड का लैम्डा बाय 2 सेपरेशन, तो इस तरह होता है। तो क्या हो जाएगा, तो लाइक अदर केसेस, यहां पर भी क्या होगा, ओके, लाइक अदर केसेस, अदर केसेस क्या हो जाएगा, हाँ, इफ वेव, वेव्स ट्रैवल थ्रू द मीडियम, या ट्रैवल बिटवीन द बाउंड्रीज, बिटवीन द बाउंड्रीज, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अगर बाउंड्रीज पर कह रहे हैं कि बाउंड के बीच ट्रेवल करती हैं वेव, एंड रिफ्लेक्ट एंड सुपरपोज आफ्टर रिफ्लेक्शन, एंड सुपरपोज आफ्टर रिफ्लेक्शन,
आफ्टर रिफ्लेक्शन देन, ठीक है, सुपरपोज आफ्टर रिफ्लेक्शन, तब क्या हो सकता है, देन नोड्स, नोड आ नोड, ठीक, आ नोड इज एसेंशियली फॉर्म्ड, नोड इज एसेंशियली फॉर्म्ड एट, एसेंशियली फॉर्म्ड एट, एसेंशियली फॉर्म्ड एट क्लोज्ड एंड, क्लोज्ड एंड एंड एन एंटी नोड, एंड एन एंटी नोड, एंटी नोड एट द ओपन एंड, एंटी नोड एट द ओपन एंड, ओके, तो एट द ओपन एंड, ठीक है, तो क्या होगा कि दोनों एंड्स पर कम से कम क्या हो सकता है कि यहां पर एक एंटी नोड है और यहां नोड है मान लेते हैं, तो सेपरेशन ये हो सकता है, कितना हो सकता है, लेमडा बाई फोर ये हो सकता है, या ये हो सकता है, हाँ यहां नोड बन गया, एंटी नोड बन गया, और पॉसिबिलिटी ये हो कि यहां पर बीच में और भी नोड हो, तो और नोड होगा तो फिर बीच में एंटी नोड भी होगा, तो ये हो सकता है कि यहां एंटी नोड, यहां नोड, फिर यहां एंटी नोड, है ना, ये हो सकता है, इसके बाद ये हो सकता है, अगला अगला जो मोड हो सकता है वाइब्रेशन का, उस मोड में यही पॉसिबल है कि यहां एंटी नोड और नोड, और यहां अगर अगला स्टेप जो होगा, अगला वाइब्रेशन जो सेट हो सकता, सेटअप हो सकता है इसमें, यही हो सकता है कि यहां एंटी नोड, यहां नोड तो होगा ही होगा, बीच में और भी नोड एंटी नोड बनेंगे, तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, यहां एंटी नोड, यहां नोड बनेगा, यही हो सकता है, तो फिर क्या लिख सकते हैं कि यहां पर ऐसे ही, और उसके बाद अगर अगला होगा यहां एंटी नोड और यहां नोड बन रहे हैं, तो यहां इसके बाद हाँ, इसके बाद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहां एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, और फिर यहां नोड, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसे बन सकते हैं, ठीक, तो एक और ओपन होना, एक और क्लोज होना, एक तो ये हो सकता है यहां एंटी नोड और यहां नोड, ऐसे लिखते हैं, ये बनाते हैं, दूसरी केस क्या है, यहां पर एंटी नोड, यहां एंटी नोड और यहां नोड हो जाएगा, फिर यहां और यहां, ऐसे हो सकता है, ठीक, और यहां पर क्या हो सकता है, यहां एंटी नोड, यहां नोड, यहां नोड, और फिर ये एंटी नोड, फिर यहां, फिर ये ऐसे, और ये ये हो सकता है, तो देख लीजिए लेंथ, वेव लेंथ का कैसा ऑर्डर इसमें आ रहा है, ये लेमडा बाई फोर है, यहां से यहां लेमडा बाई टू, और ये लेमडा बाई फोर, तो यहां केवल लेमडा बाई फोर है, यहां लेमडा बाई फोर, लेमडा बाई फोर, लेमडा बाई फोर, थ्री लेमडा बाई फोर है, यहां लेंथ क्या है, लेमडा बाई फोर, और यहां लेमडा बाई फोर, लेमडा बाई फोर, लेमडा बाई फोर, यहां पर क्या है लेंथ, थ्री लेमडा बाई फोर, यहां लेमडा वन बाई फोर, यहां लेमडा थ्री, लेमडा बाई टू बाई फोर, यहां अलग वेवलेंथ है, यहां पर क्या है लेमडा बाई फोर, टू लेमडा बाई फोर, थ्री लेमडा बाई फोर, फोर लेमडा बाई फोर, फाइव लेमडा बाई फोर, तो यहां एल इक्वल्स फाइव लेमडा थ्री बाई फोर, ये हो सकता है ऐसे, तो यहां पर बीच में कोई वाइब्रेशन नहीं है, बाहर पेट नहीं भरा बतिया के, वहां वहां से लेके आए हमारे लिए प्रसाद, हाँ
गए तो 20 मिनट बतिया अभी पेट नहीं भरा उधर। ओके तो ये तो यहां पर ये टोटल ऐसे आता जाएगा। ये देखिए ये फर्स्ट हार्मोनिक का वेवलेंथ है, ये सेकेंड हार्मोनिक इसमें नहीं आ रहा है, थर्ड हार्मोनिक आ रहा है। इसके वेवलेंथ अगर क्या है 1/3 है तो फ्रीक्वेंसी 3 times होगी, इसकी 3 times होगी, वेवलेंथ 1/3 है ना। ये उस मीडियम में स्पीड सेम होगी, मीडियम में इसकी स्पीड, इस वेवलेंथ वाले वेव की स्पीड चाहे इसकी स्पीड चाहे इसकी स्पीड, सबकी स्पीड सेम होगी। क्या और डिफरेंट होगा, फिर फ्रीक्वेंसी अलग होगी, वेवलेंथ अगर अलग है तो फिर वेव फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी तो वेवलेंथ छोटी होगी। तो 1/4 वेवलेंथ जितना बड़ा यहाँ 1/4 वेवलेंथ है उतना बड़ा में 3/4 वेवलेंथ है, यानी वेवलेंथ क्या हो गया 1/3 हो गया, तो फ्रीक्वेंसी 3 times हो गई इसकी। तो ये ऐसे हार्मोनिक्स है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, तो एंड तो जो ये सेपरेशन है दोनों बाउंड्रीज के बीच सेपरेशन है वो क्या होगा, या तो 4/11 होगा या 3/11 होगा या 5/11 होगा या 7/11 होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही बनेगा। तो देखिए इसको इरेज कर देते हैं फिर। हाँ तो देन इफ सेपरेशन बिटवीन द बाउंड्रीज इज एल तब क्या हो जाएगा, तब ये क्या हो सकता है, ओ एल लैम्डा बाई 4 दूसरा लीजिए, कहा को उसमें परेशान है, टूट जा रहा है तो बात, ये वुडन यहाँ पर दे दीजिए उसको, वुडन लकड़ी दे दीजिए, नहीं वो रिस्की है भाई, कहीं लोहा है सारे और गिर जाएंगे तो बस पता लगे लेनी के देनी पड़ जाए। हाँ खिसका दीजिए उधर, अगर सीएम को उधर, अरे वही उठा ले जाइए तो खिसका लेंगे। हाँ ऐसे, हाँ ठीक, हाँ तब क्या हो जाएगा, देन एल इक्वल्स क्या है, लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4, यही हो सकता है ना, ठीक ऐसे, या 7 लैम्डा बाई 4, ठीक ये एंड सो ऑन। इसका मतलब एल इक्वल्स 2n+1 लैम्डा बाई 4, ये हो गया एन की वैल्यू माइनस कर दें, 1 1 कर दें और क्या, या -1 कर दें, ठीक है ऐसा हो जाए ताकि वन रखने पर फर्स्ट आए, ठीक तो ये हो जाएगा। तब देखिए क्या हो जाएगा, वेवलेंथ कितना हो जाएगा, देन वेवलेंथ लैम्डा एन इक्वल्स 4l/2n-1, ठीक है ऐसे हो जाए, और n इक्वल्स 1 2 3 4 है यहां पर। तब ये तो वेवलेंथ हो गए, तो यहां पर भी डिस्क्रीट वैल्यूज हैं फ्रीक्वेंसी की, यानी अलग अलग फिक्स वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की जिससे रेजोनेटिंग ऑसिलेशन हो सकते हैं। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, देन फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेजोनेटिंग ऑसिलेशंस ओके, फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेजोनेटिंग ऑसिलेशंस क्या हो जाएंगे, n इक्वल्स v/λn, और ये कितना हो जाएगा, अब ये 2n-1 v/4l
एन इक्वल्स क्या होगा, 1 2 3 4, याद रखे इसको, ठीक। तो न्यू वन देखिए ये कितना हो जाएगा, यहां 1 रख देंगे तो v बाई 4 एल, ठीक। ये क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक। और न्यू टू क्या है, v, यहां पर 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3v बाई 4 एल, इसको हम बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक है, सेकेंड हार्मोनिक नहीं आता इसमें, ट्रिपल फ्रीक्वेंसी है, देखिए v बाई 4 एल, 3v बाई 4 एल, इसका 3 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक, सेकेंड नहीं आएगा, ये ओवरटोन है ना, इसको फर्स्ट ओवरटोन कह सकते हैं, लेकिन ये थर्ड हार्मोनिक है, हाँ थर्ड हार्मोनिक, ठीक। न्यू थ्री 5v/4l, ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ हार्मोनिक, ठीक। तो ये और हाँ वैसे आगे लिख देंगे एंड सो ऑन, क्या ओके तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑड हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं, इसमें कहते हैं फर्स्ट थर्ड यानी फ्रीक्वेंसी की क्या है, दिस इंप्लाइज दैट ओके ऑड हार्मोनिक्स ओनली, ऑड हार्मोनिक्स are produced, ठीक है ओके, किसमें, इन द सिस्टम ओके, सिस्टम क्लोज्ड एट वन एंड, ठीक। हाँ तो और हार्मोनिक, अब यहां पर उसी को आप आर्गन पाइप जैसे यहां पर बना सकते थे कि ये कि यहां एंड है, इस पर क्लोज्ड है, ये देखिए यहां पर आइए, ये एक क्लोज आर्गन पाइप है, और यहां पर है ये यहां पर ऐसे एक हार्मोन, तो ये वन एंड क्लोज्ड आर्गन पाइप का ये एक एग्जांपल है, या एक वन एंड क्लोज्ड सिस्टम का एक एग्जांपल है, ठीक है। हाँ तो ये वाला सेशन खत्म हुआ, बीट्स बाकी है, 20 मिनट कम से कम उसमें लगेगा, 20-25 मिनट, देखिए मैं उसको पढ़ाऊंगा, तो अभी आप चले जाएंगे तो ही मैं इसको ओपन करके पढ़ा दूंगा, आप ना देखिएगा चाहे मन कुछ मत देखिएगा, थोड़ा कष्ट तो झेलना पड़ेगा आज के लिए, हमें मालूम भैया, हम भी वही काम कर रहे हैं, मान रहा हूं, अरे भाई तो बच्चे अच्छे होते हाँ